अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 7th क्लास तर्जमतुल कुरान की जो न्यू बुक है, इसकी आज सूरत अलम नशरा का मैं एक्सरसाइज का सलूशन आपको करवाऊंगी। इससे पहले जितनी भी सूरतें हैं तमाम का सलूशन करवा चुकी हूं। अगर देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, तमाम का सलूशन मौजूद है। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, अलम नशरा का मायनी है क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिया। इसके बाद दूसरा मुख्तसर सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को बुलंद करने का तज़किरा है सूरत अलम नशरा में। सूरत अलम नशरा के मुताबिक मुश्किलात के साथ हैं आसानियां। सूरत अलम नशरा में अल्लाह ताला ने खसूसी खिताब फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक MCQs है, सूरत अलम नशरा के मुताबिक इस्लाम की दावत से फारिग होकर मज़ीद कोशिश करनी चाहिए नमाज और रोज़ा में। के बाद मुख्तसर सवालात हैं, सूरत अलम नशरा की वजह तस्मिया तहरीर करें। तो अलम नशरा की, सूरत अलम नशरा की वजह तस्मिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अलम नशरा का मायनी है क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिया। इस सूरत की पहली आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक के कुशादा किए जाने का जिक्र है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत अलम नशरा है। और जो दूसरा मुख्तसर सवाल है ये है, सूरत अलम नशरा का मरकज़ी मज़मून क्या है। तो इसका आंसर है, सूरत अलम नशरा का मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बयान है। ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बयान है। इसके बाद तीसरा सवाल है, सूरत अलम नशरा में किन की शान मुबारक बयान हुई है। तो इसका आंसर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने इसी तरह बुक्स पे लिखना है। सूरत अलम नशरा का तआरुफ और मकसद नज़ूल, तआरुफ और मकसद नज़ूल पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फर्स्ट वाला पेज, ये पेज 79, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके साथ ये भी बताना है कि सूरत अलम नशरा एक मक्की सूरत है जिसकी 8 आयात और 1 रकू है। अगला तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरत अलम नशरा के बुनियादी मजामीन और अहम इल्मी नुकात। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज नंबर 80 पर यहाँ से लेकर स्टार्ट से यहाँ तक है। अल्लाह ताला ने खूब बुलंद फरमाया, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसके आंसर में आपने कर लेना है। इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया है कम्प्लीट।